हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल इंकू झा में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज मेरा मूड आप लोगों को लग रहा होगा ना कि गुस्से वाला, मैं किसी को घूर रही हूँ ऐसे। इस इंसान पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना पूछिए ही मत। मैं क्या बताऊँ, लोग बोलेंगे कि पति देव की बुराई करती है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आप लोग बोलिए क्या मैं सही कर रही हूँ। ये लेकिन आज मैंने नाले पे दहला मार दिया। क्या शर्ट, ये शर्ट कभी नहीं पहनते हैं। मैं आप लोग को आज छोटा सा बात बोलती हूँ इनके बारे में। ये शर्ट कभी नहीं पहनते हैं, तो मैं इनको हमेशा ताने मारती हूँ कि आपके लिए अब शर्ट नहीं सिलाऊंगी, कभी नहीं सिलाऊंगी, क्योंकि आप तो पहनते नहीं, हमेशा टी शर्ट कहीं भी जाओ टी शर्ट, जबकि शर्ट इनके अच्छा लगता है तो ये नहीं पहनना मानते, हमेशा टी शर्ट ही पहनेंगे, चाहे टी शर्ट कैसा भी लगे तो पहनेंगे। तो इस डर से आज ये शर्ट पहने, खौफ हमारा था कि आज शर्ट मांगे शर्ट पहने। उस शर्ट में एक जगह बटन नहीं था, एक तो कभी शर्ट पहनते नहीं है, शर्ट मांगे तो मैंने लिया खुशी खुशी पहनिए, शर्ट पहने तो उसमें बटन नहीं था, तो ये बोलते ये देखिए बटन नहीं, मैंने इसीलिए बोलती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई, इसीलिए बोलती हूँ कि बटन शर्ट पहना करो, तब ना पता चलेगा किस शर्ट में बटन है किस शर्ट में बटन नहीं है। बेचारा मेरे तरफ देखते ही रह गए, किसकी गलती थी अंदाजा नहीं था कि किसकी गलती थी। अब आप लोग बताइए इसमें गलती किसकी थी, मेरी तो नहीं थी, मैंने तो सही कहा ना, शर्ट पहनेंगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ गलती है, कौन सा शर्ट का क्या फटा हुआ है पता चलेगा, बटन नहीं है किसमें, कितना बटन नहीं है, मेरी क्या गलती, वो शर्ट कितने दिन से रखा हुआ था। तो ऐसे है, मैं ऐसी जब मन करता है डांट देती हूँ, चुप हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन ये भी कुछ शरीफ नहीं है, कभी कभी मेरी गलती ना होने पर भी मुझे डांटते हैं। कौन कोई जिंदगी विंदगी नहीं है, इसका नाम एटीट्यूड है, इसका नाम इसका नाम जिंदगी नहीं है, इसका नाम खौफ है जो मैंने आप पे किया। तो आज बहुत दिन के बाद मैं इनको ब्लॉग में लाई हूँ, इसलिए कि ये घर में नहीं रहते हैं, इनका ड्यूटी बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, पहले था क्लास लेते थे, अब थोड़ा सा मार्केट का काम भी देखते हैं, तो इसलिए इनका बिजी शेड्यूल हो गया है। तो मैं सोची कि आज अभी बैठे हुए तो फ़ायदा उठा लेती हूँ, ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं एक दो वीडियो मुझे भेजा गया था कि मुझे आप इनके साथ ये वीडियो मतलब इस सॉन्ग पे रील्स बनाइए, लेकिन मैं अब घर से बाहर नहीं निकलती तो घर में क्या रील्स बनाऊँ इनके साथ, कभी बाहर निकलती हूँ तो अच्छा मूड रहता है, अच्छा माहौल रहता है, सीन अच्छा रहता है, तो बना लेती हूँ, तो देखती हूँ कहीं बाहर जाना आना हुआ तो उस सॉन्ग पर ज़रूर बनाऊँगी वीडियो इनके साथ, और बाकी अकेला ही मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, नहीं लेती हूँ इनको, ये लिपसिंग नहीं करना जानते हैं ना, तो ज़बरदस्ती क्यों बोलूँ, वो मेरा टैलेंट इनमें कैसे घुस जाएगा। अब ये मुझे बोलेंगे आप जाओ मेरे क्लास में जाके पढ़ाओ, तो मेरे से होगा नहीं होगा ना। तो ये जब भी वीडियो में आते हैं तो लोग का यही बोलता है कि आपके पति को ये नहीं आता है, ये नहीं करना जानते, ऐसे चुप रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना पेशा होता है, ये टीचर है, इनसे ये सब काम पॉसिबल ही नहीं है, ये अकेले में भी ट्राई करेंगे तो इससे नहीं होने वाला। तो आई कैन डू, हाँ क्या आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ मैडम। नहीं होगा, अब से नहीं होगा, देखिए ऑन कैमरा ये चैलेंज कर रहे हैं, और इनसे मैं आप बनवा के ही छोड़ूंगी, चलो बनाओ वीडियो। हाँ मैं वीडियो बनवा के छोड़ूंगी, अभी आपके आप लोगों के सामने मैंने उन्हें कहा ना, तो चलिए मैं बनवाऊंगी। और कल का रक्षाबंधन आप लोगों का कैसा गया, आप लोग ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा सबका वीडियो देख के,
मैं सबका वीडियो देखी, मतलब रात में भी सोते टाइम देखी बहुत सारा वीडियो, और आज सुबह से ही वीडियो, मतलब मुझे काम करने का ही आज मन नहीं करता। और आप लोग देखे होंगे जब मेरा काम करने का मन नहीं करता तो मैं इनके साथ बैठ के कर लेती। ये घर में रहते तो मेरा काम करने का मन नहीं करता है, क्यों पता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ, आज मेरे पास फोन गैस, इस शोर शराबा से मुझे आज़ादी कब मिलेगी पता नहीं। इसलिए काम एक काम करने किचन में जाती हूँ, बुलाएंगे। ये चीज़ कहाँ है? जो पास में भी रहेगा तो वो नहीं मिलेगा। पानी, कपड़े, मोबाइल, कान में करने वाला रुमाल, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं फिर मेरा मन ही, फिर मैं गुस्से से बैठ जाती हूँ, चलो मैं पास ही में बैठी हूँ, आप बताओ कि क्या चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं, तब भूल जाते हैं। लेकिन जैसे मैं किचन में जाती हूँ तो याद आता है कि मेरा वो चीज़ नहीं मिल रहा है, मेरा ये चीज़ नहीं मिल रहा। आप लोग बोलेंगे कि पीठ पीछे पति का बुरा, कितना ताकत रखती हूँ कि सामने में सब बुरा। लेकिन आप लोग के घर में भी ऐसा नोक झोंक होता होगा, मैं ही बोलती हूँ तो ये सुनते हैं। लेकिन जब ये बोलते हो तो मैं सुनती हूँ। इतना ईमानदारी है मेरे में, ऐसा नहीं, हमेशा मैं खौफ नहीं इन पे रखती हूँ, कभी कभी इनका खौफ भी मेरे पे आता है, मैं भी सुनती हूँ। जब ये बोलते फिर मैं शांत हो जाती हूँ, सुन लेती हूँ, चलो अब मेरा टर्न आएगा। पहले सुनती हूँ, सुनाती हूँ, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। आप लोग के घर में भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, सबकी पत्नियाँ शेर होती है, शेरनी होती है अपने घर में। मैं भी हूँ। तो चलिए अब बहुत हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उनके लिए, इतना काफ़ी है, जितना बोल सकती हूँ, जितना मैं बोल सकती हूँ उतना काफ़ी था, अब नहीं बोलूँगी ज़्यादा, नहीं तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। तो चलिए, आप लोग का रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा? मेरा अच्छा गया, जैसे मैं सोची थी कि मैं इस बार खूब इंजॉय करूँगी। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग भी देखा होगा, मैंने अच्छे से इंजॉय किया, अच्छा लगा, मेरा पूरा दिन अच्छा गया। और जबकि रक्षाबंधन से मेरा कुछ अलग ही रहता है, पता नहीं, मैं रक्षाबंधन का, आप लोग बोल रहे होंगे क्यों रोती है, भाई की याद आती है तो बात कर लो चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। रक्षाबंधन मेरे लिए ना पता नहीं क्या है कि जैसे मैं वो गाना बजता है ना तो मेरे आँख से आँसू आ जाते, मैं रोने लगती हूँ, कुछ अलग फीलिंग है मेरा रक्षाबंधन से, वो समझ में नहीं आता, मेरे भी नहीं आता। फिर गया रक्षाबंधन, हो गया, लेकिन जो वो गाना जो होता है ना, उसकी जो फीलिंग होती है ना, मेरा एक हफ्ता एक महीना पहले से ही चालू हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा रक्षाबंधन के सॉन्ग पे रील नहीं बनाती हूँ, वो मुझे, फिर आप लोग बोलेंगे हमेशा रोती रोती रहती है, तो ये सब भी अच्छा नहीं लगता है ना मुझे, ये सब सूट नहीं करता है मेरे पे रोना। आप लोग ही तो बोलते हैं हंसना सूट करता है, आप पे रोना सूट नहीं करता। तो चलिए, ये ब्लॉग बहुत लंबा नहीं करूँगी, यही हरकत करते हैं, यही छोटी छोटी हरकत भी ये मेरे से बात सुनते, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, अभी इनका सॉन्ग बजने लगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हो गया, मेरे पति देव की मैंने खिंचाई कर ली, आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कमेंट में, मैं पढ़ लूँगी, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ऐसे नोकझोंक। तो चलिए, जो कुछ गलती सलती हुआ होगा क्षमा कर दीजिएगा, वैसे मैं उसमें कुछ गलती बोली नहीं हूँ, मैंने सब सही कहा है, जो है वो मैंने कहा है, तो ऐसा हिम्मत सब में नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग क्या रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, हम भी जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। बाय बाय बोलो।